अच्छा जी, हम डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। इन द लास्ट लेसन वी टॉक्ड अबाउट एमजीआरई, और एमजीआरई के अंदर हमने ये देखा कि वी जस्ट हैड वन इंटरफेस, एक ही इंटरफेस था हर राउटर के ऊपर, और यूजिंग दैट सेम इंटरफेस वी ऑल वर एबल टू टॉक टू ईच अदर। अब इस इंटरफेस में जिसका हमने नाम लेट से टनल वन रखा तमाम राउटर्स पे, वालेकुम अस्सलाम, अच्छा जी, ये जो टनल वन इंटरफेस हमने बनाया था, इन तमाम इंटरफेसेस में हमने टनल का जो सोर्स है वो हमने सेट किया था, बट टनल डेस्टिनेशन जो थी दैट वाज नॉट सेट। तो जब हमने टनल डेस्टिनेशन कोई भी सेट नहीं की एमजीआरई में, तो किस तरह किसी राउटर को पता चल रहा था कि उसने किस डेस्टिनेशन के लिए पैकेट्स को टनल करना है? रिमेम्बर, हमारा जो इंटरनल पैकेट है विच इज पैसेंजर, उसका मसला तो ये नहीं है, वो तो अपना सोर्स और डेस्टिनेशन आईपी लेकर आएगा। वी आर टॉकिंग अबाउट द ट्रांसपोर्ट हेडर, जो ट्रांसपोर्ट प्रोटोकॉल का हेडर है। इसके अंदर जो सोर्स आईपी है वो हमने डिफाइन कर दिया है, विच इज दिस थिंग। यूजली द टनल सोर्स इज योर वैन इंटरफेस आईपी और वैन इंटरफेस नेम। सो हम यहां पर आईपी दे देते हैं या अपने इंटरफेस का नेम दे देते हैं। ये देने में ज्यादा फायदा ये है कि अगर आपके इंटरफेस का आईपी चेंज भी होता रहता है तो इट डज नॉट मैटर, आपको कॉन्फ़िगरेशन बदलने की जरूरत नहीं है। बट इन बोथ केसेस व्हेन यू सेट द टनल सोर्स, आप एक्चुअली आउटर हेडर का सोर्स आईपी डिफाइन कर रहे हैं। बट व्हेन यू डू नॉट सेट द टनल डेस्टिनेशन, जो कि आप पी टू पी में करते थे, तो जो डेस्टिनेशन आईपी है दैट बिकम्स द क्वेश्चन मार्क। दिस थिंग इज इम्पॉर्टेंट इन ऑर्डर टू एनकैप्सुलेट योर पैकेट एंड द इंफॉर्मेशन इज मिसिंग। सो एमजीआरई के अंदर इस चीज को कपल करने के लिए या इस चीज को काउंटर करने के लिए जो प्रोटोकॉल हमने क्लब किया था साथ में, दैट वाज एनएचआरपी। सो ये जो चीज है डेस्टिनेशन आईपी क्या होगा, ये किसकी जिम्मेदारी है? ये एनएचआरपी की जिम्मेदारी है। एनएचआरपी इज दी प्रोटोकॉल जो डेस्टिनेशन आईपी बताएगा कि क्या होना चाहिए। नाउ समटाइम्स अगर यहां पर सबनेट ए है, इधर सबनेट बी है, इधर सबनेट सी है, एंड यू आर सिटिंग ऑन दिस राउटर आर टू, तो आर टू से योर सोर्स इज गोइंग टू बी बी दिस लैन, बट योर डेस्टिनेशन चॉइसेस आर डिफरेंट। आपकी डेस्टिनेशन जो है वो ए भी हो सकती है, आपकी डेस्टिनेशन जो है वो सी भी हो सकती है, यानी कि इस लैन ने इस लैन से भी बात करनी हो सकती है और इस लैन ने इधर इस लैन से भी बात करनी हो सकती है। और इस सारी ट्रैफिक को, इस पैसेंजर ट्रैफिक को, अब टनल इंटरफेस एक ही है जिसने डील करना है। सो डेफिनेटली अगर किसी ने ए की तरफ जाना है तो जो टनल का एंड पॉइंट है दैट इज डिफरेंट, और जब आपने सी की तरफ जाना है तो टनल का एंड पॉइंट इज डिफरेंट। फॉर नेटवर्क ए द टनल एंड पॉइंट इज इक्वल्स टू वैन ऑफ आर वन
For C network, the tunnel endpoint is WAN of R3. So this IP is 62.1.1.1 and this IP is 63.1.1.1. तो जब आपकी ट्रैफिक ए की तरफ डिस्टाइंड हो तो आउटर हेडर के अंदर यहां पर 61.1.1.1 लगना चाहिए। और जब यही आपका जो पैसेंजर पैकेट है ये गामजन हो सी की तरफ, इसको सी की तरफ जाना हो, तो यही जो आउटर हेडर है इसके अंदर जो आईपी लगना चाहिए दैट शुड बी 63.1.1.1। बट इन ऑल केसेस द सोर्स इज गोइंग टू बी 62.1.1.1। दिस इज द टनल सोर्स पॉइंट। टनल एंड पॉइंट 61.1.1.1 और 63.1.1.1 दैट रियली डिपेंड्स अपॉन कि आप किस डेस्टिनेशन के साथ बात करना चाहते हैं। अब कब किस डेस्टिनेशन की तरफ आपको जाना है, आपको आउटर हेडर में किसका आईपी चाहिए होगा एज अ डेस्टिनेशन, दिस इज ऑल द जॉब ऑफ एनएचआरपी। नेक्स्ट ऑफ रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल में हमने ये पढ़ लिया कि दो एंटिटीज हैं, नेक्स्ट हॉप सर्वर है और नेक्स्ट हॉप का क्लाइंट है। क्लाइंट सर्वर के पास अपने आप को रजिस्टर करता है। सो क्लाइंट सर्वर के पास अपने आप को जब रजिस्टर कर देता है तो बाद में क्लाइंट्स इस सर्वर से जरूरत के वक्त क्वेरीज कर सकते हैं और पूछ सकते हैं कि मुझे एक्स डेस्टिनेशन पे जाना है, उसका इस वक्त लाइव आईपी क्या चल रहा है। सो हम यूजिंग एनएचआरपी जब हम अपने आप को रजिस्टर करते हैं जाके सर्वर में तो उस रजिस्ट्रेशन डेटाबेस को हम इस्तेमाल कर सकते हैं अंदर। सो इन दिस नेटवर्क वी कैन सी दैट एनएचएस हमने कन्फिगर भी किया था, वो R1 बनाया था और NHC जो है वो हमारी ये ब्रांचेस थी। So NHC registers its public IP in NHS and as per need basis वो resolve होता है and then these branches can talk to even each other। Hub से तो बात कर ही सकते हैं but even branches can talk to each other by virtue of this resolution process, NHRP resolution process। So रजिस्ट्रेशन का जो कॉन्सेप्ट है और जो रेजोल्यूशन का कॉन्सेप्ट है दैट इज वेयर हम MGRE की जो डेस्टिनेशन आईपी की डेफिशिएंसी है उसको ओवरकम कर रहे हैं। कॉन्फ़िगरेशन हमने देख ली, वी कॉन्फ़िगर टनल मोड GRE मल्टी पॉइंट, आईपी एड्रेस सोर्स द की ऑफ द टनल, डेस्टिनेशन यू कैन सी इज मिसिंग, दिस सोर्स can be an IP or the WAN interface name, और ये NHRP की configuration थी। This is from NHC's point of view, also known as spoke। इसमें हमने देखा था NHRP network ID है, key है, these must match everywhere, then the logical IP which is tunnel IP to the physical IP which is the WAN IP, उसकी मैपिंग है। This is the clue of your next hop server। ये NHS का pointer है जो आप define कर रहे हैं यहाँ पे। That is the reason कि आपके NHS का ये IP जो है ये static होना चाहिए। The next hop server should have a static public IP। Then we define कि हमारा NHS एक लॉजिकल आईपी पे पड़ा हुआ है और ये वही लॉजिकल आईपी है जो यहां से इस रियल आईपी में ट्रांसलेट होता है, सो दैट वी कैन इनिशियली एट लीस्ट टॉक टू आवर एनएचएस। और आईपी एनएचआरपी मैप मल्टीकास्ट एंड देन दी एनएचएस आईपी, एनएचएस रियल आईपी, दिस मींस
we want to relay all of our multicast traffic to hub so that hub can take care of it. And multicast is usually of routing protocol, jo ki hamara aaj ka agenda bhi hai. We need to run a routing protocol on MGRE. So this command is important from that point of view. Hub ke upar, same configurations up till the authentication key. The only difference is ki yahan par map multicast dynamic hai, so that the database entries which are being created based upon NHC registrations, us entry ki base ke upar jitne bhi log aakar apni hazri lagwayenge, un sab ko multicast traffic unicast kar di jayegi. So it is kind of a pseudo multicast or pseudo broadcast enablement. और इसमें हम NHS define नहीं कर रहे. You can see that missing NHS. So if NHS information is missing, then that tunnel interface is going to act as NHS. So ये ही बजाते खुद NHS है, क्योंकि इसके पास NHS की बजाते खुद कोई information नहीं है. So this is what we configured. Let's repeat the process, and once we are done with that, we will move on with routing stuff, because ये सारी की सारी route based implementation है multipoint GRE में even. और इस routing का मकसद ये है कि वही बात कि हमारे जो LAN subnets हैं जिनके लिए ये tunnel बनाई गई है, जो कि ये subnets हैं, ये tunnel इनकी communication के लिए बनाई गई है, तो ये आपस में बात कर सकें और हम टेस्ट करें कि आपस में बात करते हैं या नहीं. सो फॉर दैट यू नो वी नीड राउटिंग. राउटिंग इज द किक जो आपको चाहिए. एवर सिंस वी स्टार्टेड टॉकिंग अबाउट पी टू पी जीआरई, तो हमें बल्कि इवन आईपी इन आईपी टनल, उसमें भी हमें रूट तो चाहिए था, मेड बी स्टैटिक और डायनामिक, बट द रूट इज द ड्राइविंग फोर्स जो आपकी पैकेट को, पैसेंजर को टनल की तरफ लेकर आता है और वहां पे उसकी इनकैप्सुलेशन का प्रोसेस ट्रिगर करता है. सो लेट्स वंस अगेन ब्रिंग अप दिस टनल विच इज V4 इनटू V4 MGRE एंड एनालाइज राउटिंग प्रोटोकॉल बिहेवियर ऑन टॉप ऑफ इट.